they right car. Business changed and I like I ain't all. What's your name? Alice. Where are you from? Italy. Alag cap ka. आ गए आप लोग? सो इतनी जल्दी आप लोग क्यों आ गए यार? पानी पी रहा था मैं, पानी का तो ब्रेक दे दो यार। बट कोई नहीं, ये चैनल अलग टाइप का, तो यहाँ चीज़ें भी अलग टाइप की ही होती हैं। सो हेलो एवरीवन, आई एम योर फ्रेंड शुभम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल दी अलग टाइप का। यहाँ पे आपको हर एक दिन अलग अलग टाइप के ही व्लॉग्स मिलेंगे, क्योंकि हमारा काम ही है आपको व्लॉग देना और ये चैनल का नाम भी है दी अलग टाइप का। सो आज जो व्लॉग आने वाला है उसमें मैं दिखाऊंगा आपको दुर्गा पूजा के भसान के ऊपर, क्योंकि आज मूर्ति का विसर्जन है और दुर्गा पूजा यहाँ पे तो बहुत अच्छा हुआ है। जैसा कि आपको मैं अलग पिछले व्लॉग्स में दिखा चुका हूँ, गोल्डन का सोने की मूर्तियाँ और भी अलग टाइप के पेंडल्स, सो आज उन सब का भसान है। सो आपको ये मैं भसान का विसर्जन का प्रोसेस दिखाऊँगा कैसे होता है यहाँ पर कोलकाता में। सो हमारे साथ व्लॉग में बने रही और हाँ, अलग टाइप के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिलेंगे आप लोग को देखने के अलग अलग चीज़ें। आप लोग मेरे साथ ही चलेंगे या चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा आगे वीडियो के लिए, चाहिए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए। ओ गेस हु इज दिस, अरे छुपा क्यों है, बाहर आना। हाय गाइस, आज मैं विवेक एंड मैं इनका छोटा भाई हूँ। आज मेरे साथ मेरा भाई आया साथ देने ये, और आप लोगों को एक बात बता दें, बहुत अच्छा टिकटॉकर है, इसके टिकटॉक आईडी में 3000 लगभग फैंस हैं, तो आप लोग देखिएगा। भाई झूठ बोल रहा है, अरे रियल बोल रहा हूँ मैं, बहुत अच्छा टिकटॉकर, इसका टिकटॉक देखिएगा। क्या नाम है आपका बता देना जरा, विवेक 4.0 है ना, 4.0 जाके इसके चैनल में देखना। नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग देख लेना इसको। और ये बंदा बहुत ही जेन्युइन है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हेल्प करता है, कुछ दिन बाद ये भी चैनल चालू करने वाला है। सो सपोर्ट करने आया है और सीखने आया है, तो मैं तो इसे बहुत सपोर्ट कर रहा हूँ। आगे अगर ये चैनल खोलेगा तो आप लोग भी इसका सपोर्ट करना गाइस, और हमारे अलग टाइप के ब्लॉग को ऐसे ही देखते रहना गाइस, बहुत ही मस्ती होना, घंटा दबाइए जाके। और से इंटरव्यू लेंगे, सो आइए इंटरव्यूज लेते हैं, सो आइए देखते हैं। सो व्हाट्स योर नेम? अलीचे। वेयर आर यू फ्रॉम? इटली। So, which thing you like in Kolkata? In Kolkata, I liked all the colorful buildings and the palm trees, and I liked the puja. So, what's your experience at Durga Puja? Can you share the experience of yours? Of course. So, yesterday we went to Kalighat. Yeah, and we went to see the Kalighat temple and all the different installations of the puja of the Durga, and then we went we were just in the street and all the women starting to put the red on colors, all the vermilion on our faces, and they were shaking our hands, giving us hugs, all smiles, and just making us feel really welcome, and our whole faces were covered in red. So would you like to come back to Kolkata next time? Yeah, of course, it's a very cool city, there's a lot going on, a lot of art, and I feel like I want to discover more. Which Durga Puja pandal you like very much? I don't know which one it was. I don't know where it was, but we saw some. Do you see the golden Durga Ma's statue, golden statue? Did we see it? Did we see the golden one? Golden statue?
Maybe, maybe not. I don't know. We just looked around. Where was it? It was at Santosh Mitra Square near Sialda. It's a very, very good pandal, and there are 50 kgs gold statue of Durga Ma. Ah, it was that one. Okay. Yeah. No, we didn't see it. Oh, that's unfortunate. Is it already in the river? No. No. It's you take any buses from this planet to go there. So overall, your experience was good or not? Yeah, it was very good in Kolkata. Yeah, so much so that we want to stay one more day. Oh, so thank you for giving thank interview, you. Ma'am. Of course. Thank you. So, Daska? तो अब हम लोग ये अलग खाने वाले हैं क्योंकि भूख लगा है चीफ। तो आप लोग तो जानते हैं, आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, फॉरेनर लोग से इंटरव्यू ले रहे हैं, इटली की लेडी से, और सब इतना आप लोगों को ब्लॉग के लिए मेहनत कर, तो खाते हैं कुछ। तब तक आप टाइम स्लैप में इंजॉय करिए थोड़ा सा जर्नी का। सो गाइस, और भी कुछ लोग हैं जैसे आंटियाँ यहाँ पे बाहर से आई हैं बैरकपुर से, जैसे कि बता रही थी, तो इनका इंटरव्यू लेते हैं। आंटी, आपका नाम? मेरा नाम आशा। आप कहाँ से आए हैं? हम यहीं के। यहीं के, तो आप लोग यहाँ, आपकी मम्मी है, सो आप लोग यहाँ कितने साल से विसर्जन देखने आते हैं? तो आप लोगों को कैसा लगता है यहाँ पे विसर्जन? तो आपने दुर्गा पूजा देखा आंटी? पूजा कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। पूरा ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा रहा। थैंक यू आंटी। हेलो गाइस, सो हमारे यहाँ और भी कुछ लड़कियाँ हैं जिनसे इंटरव्यू में लेता हूँ, ये लोग भी पूजा विसर्जन के लिए आई हैं, सो इनका एक्सपीरियंस जानते हैं, इनको कैसा लगा। सो आपका नाम? माय नेम इज़ अनीता दास एंड मैं हर साल इधर आती हूँ। बहुत अच्छा लगता है आने के लिए और सब कुछ देखने भी अच्छा लगता है। बलून ऑलरेडी एक्सेप्ट एक्सरे, खाने के लिए भी अच्छा मिलता है, तो अच्छा लगता है। आप लोग कहाँ से आई हो? बेलेघाटा। बेलेघाटा, सो आप लोगों को कैसा लगा या पुलिस प्रशासन का व्यवस्था? मैंने तो सुना है 3,500 पुलिस, कोलकाता पुलिस वैसे ही बदनाम है, पता नहीं क्या होता है, कैसा गार्ड देता है। बट मुझे तो लगता है वो लोगों ने एक सही से विसर्जन करवा रहा है वो लोग, तो आपको कैसा लगता है? पता नहीं, मुझे तो कलकत्ता पुलिस अच्छा ही नहीं लगता, वैसे बदनाम तो हर वक्त होता है। अब इधर आके क्या करेगा, जब लब लेता है तो फाड़ के लेता है ना, अब इधर काटने का क्या फायदा? मतलब बहुत बड़ी हेटर से कोलकाता पुलिस की ये, तो देख लीजिए एक बार। सो और आपने पूजा घूमा? बहुत, पहली बार 2:30 बजे घर आई हूँ। हम लोग तो रात भर घूमते हैं चारों दिन, वो भी वीडियो के लिए, वीडियोस के लिए। बहुत जल्दी करने सबको अच्छा लगता है। ओके, थैंक यू, बाय, नाइस टू मीट यू, बाय। तो पीपल, आप लोगों ने देखा कि कोलकाता पुलिस का कितना अच्छा अरेंजमेंट था यहाँ पे, कितने अच्छे से कराया जा रहा है विसर्जन। तो आइए एक हमारे कोलकाता पुलिस के जवान, उनसे पूछते हैं कि कैसा आप लोगों का सेटलमेंट और कितना आपको प्रेशर पड़ रहा है जैसे। सो सर, आपका नाम? जैसे सूरज साहू, मैं VSTP गार्ड से हूँ, ठीक है, और मैं एक सिविक पोस्ट पे हूँ, ठीक है। जिस तरह से हमारे यहाँ पे जितने भी सर हैं, ऑफिसर हैं, यहाँ पे दिन रात ही काम कर रहे हैं। हम लोग 2 बजे से यहाँ पे ड्यूटी है और कल तो कुछ 80% प्रेशर था, लेकिन अभी जैसा लग रहा है यहाँ पे भी अभी
मौसम की वजह से कुछ यहाँ पे मतलब नमी थी, जिसके कारण बहुत सारे आदमी लोग ने प्लान कैंसिल किया है। ठीक है, माहौल कुछ अच्छा ही लग रहा है और आदमी रास्ते पर सफ़र कर रहे हैं और कर के यहाँ पे भी आ रहे हैं और धीरे धीरे क्राउड दिन पे दिन और जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे क्राउड बढ़ते जा रहा है। और हमारे जितने भी यहाँ पे सर हैं, स्टाफ हैं हमारे जितने भी और वॉलेंटियर जो हैं साथ साथ पे काम करते जा रहे हैं और हम लोग क्राउड को धीरे करके बढ़ा रहे हैं और आगे पे जितने से पब्लिक को बैक सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। कोलकाता पुलिस की तरफ से वो कोशिश कर रहे हैं और हमारे जितने भी बड़े सर हैं, हमारे जितने भी ऑफिसर हैं, सभी लोगों का योगदान है और हम लोग इसी तरह से कार्य करते चार दिन से हम लोग और आगे करके काम करना है। सो आप लोगों को ऐसा लगा कि आज प्रेशर ज़्यादा हो? नो, ऐसा तो कुछ नेगेटिव नहीं है। हम लोगों को ऐसा तो विसर्जन का टाइम था लेकिन प्रेशर आउट था ही। हम लोग सोच रहे थे कि कल जैसे 70% विसर्जन हो चुका है और अभी तो जैसे लग रहा था कि कम से कम 80% आज हो जाएगा, लेकिन मौसम की वजह से ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन कुछ लेट के कारण अभी वर्कआउट लेट के कारण हम लोगों को यहाँ पे अभी जैसे क्राउड धीरे बढ़ रहा है और बढ़ने के बाद यही आप देखते हैं कितने बजे तक क्राउड होता है। हम लोग तो उम्मीद किए थे कि आज 80% से 90% विसर्जन हो जाएगा, अब देखना है कि कितनी देर तक विसर्जन होता है। क्राउड पीसफुली यहाँ पे विसर्जन कर रही है यानी बहुत ही अच्छा हो रहा है। आप यहाँ पे देख सक रहे हैं सभी आराम से यहाँ पे माँ का विसर्जन कर रहे हैं। ठीक है, आराम से यहाँ से उतर रहे हैं और पीसफुली यहाँ पे विसर्जन किया जा रहा है VSTP गार्ड की तरफ से। और भी बहुत सारे ऑफिसर हैं जो बाहर से आए हमारे यहाँ पे हमारा योगदान करने के लिए, तो हम लोग एक साथ एक दूसरे के ऊपर बैक सपोर्ट करके एक दूसरे का साथ देकर पीसफुली हम लोग यहाँ विसर्जन करने का चेष्टा कर रहे हैं और चेष्टा करते रहेंगे। थैंक यू। सो आप लोगों ने देखा आप लोगों के लिए मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ, इंटरव्यूज़ ले रहा हूँ, यहाँ पे आप लोगों को विसर्जन दिखा रहा हूँ। सो इसी बीच एक और इंटरव्यू लेते हैं, तो आइए देखते हैं। हेलो मैम, आपका नाम? त्रीना। और आप कहाँ से आई हो? बेलेघाटा से। आप लोग का विसर्जन हो चुका है क्या? नहीं, अभी अंदर गए हैं, हमको घुसने नहीं दे रहे, तो हम वहीं पर खड़े हैं। सो आप लोगों को ओवरऑल यहाँ पे विसर्जन कितने साल से कर रहे हो आप लोग? जब से पूजा हो रहा है, मेरे जन्म से पहले से हो रहा है, तभी से विसर्जन यहीं पर होता है। फिर भी कोई मतलब आपको आइडिया हो कितना साल से? जितने साल से दुर्गा पूजा शुरू हुआ होगा तभी से गंगा में ही विसर्जन होता है, मान लीजिए कहीं 100 या 200-300 साल पहले से। कहीं 100 या 200-300 साल पहले? Oh, no! जब से होता है पूजा तभी से यहीं पर विसर्जन होगा। यहीं पे हो रहा है, आप लोग का भी यहीं पे होता है? हाँ, एकदम। यहाँ का जो विसर्जन का एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा? बहुत मजा आता है, हम नाचते हैं फिर अंदर जाके विसर्जन देते हैं, उसमें मतलब फीलिंग ही बढ़िया होता है। ये तो हम लोग जानते हैं कि कोलकाता का सबसे बेस्ट पूजा दुर्गा पूजा होता है, तो इसे आपने कैसे एंजॉय किया? घूम घाम के एंजॉय किया, खा पी के फिर दोस्तों के साथ मजे कर। सो कुछ बोलना चाहेंगे आप हमारे सब्सक्राइबर्स को? अलग टाइप का चैनल है, सो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और देखिए। मुझे इंटरव्यू देके बहुत अच्छा लगा एंड अगर आप ऐसे ही कल्चर्स को ऐसे ही मतलब आगे लेते जाओगे, इंटरव्यूज लेते रहोगे, तो दैट इज वेरी गुड। ओके, घर पे ठीक है मैम, थैंक यू इंटरव्यू के लिए। तो हाय गाइस, फाइनली हमारा शूट खत्म हो गया है और भाई हमारा कुछ बोलना चाहेंगे? सो गाइस, हमारा शूट तो खत्म हो गया बट हमें मस्ती खत्म नहीं है क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। यस, ये है अलग टाइप का चैनल, तो यहाँ अलग टाइप की चीजें होती हैं। और गाइस, हमारी ऐसी एनर्जी आपको देखनी है तो नीचे जाकर रेड बटन है उसे सब्सक्राइब करें और हमारी मस्तियाँ देखते रहें क्योंकि हमें इससे मोटिवेशन मिलता है और आगे आगे से वो लोग लास्ट देंगे। सो यो गाइस, गुड बाय।